लंबे समय की भीषण गर्मी के बाद बारिश की बूंदों की आवाज़ बहुत सुकून देने वाली होती है और बारिश की महक बहुत ही सुखद होती है। बारिश हमें सिर्फ पानी ही नहीं देती, इसका हम पर बहुत ही शांत और ताज़ा प्रभाव भी पड़ता है। बारिश में खेलना, भीगना, कागज़ की नावें बनाना और पानी में तैराना किसे नहीं अच्छा लगता है। ऐसे में बारिश में एक और ख़ास बात होती है, बारिश का मौसम आते ही हमारा मन कुछ कुरकुरा, चटपटा, कुछ फ्राई करके खाने का मन करता है। तो बहुत टाइम के बाद थोड़ी सी अच्छी बारिश देखकर मेरा भी मन हुआ कि कुछ पकौड़े बनाए जाएं। तो यहाँ पर मेरे पास कॉर्न पड़े थे तो सोचा कि चलो कॉर्न के पकौड़े बनाते हैं। हाय, दिस इज़ सुधा तिवारी, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी अरोमा, सुधा की रसोई। इसे भुट्टा, मकई, छलिया भी कहा जाता है। फ्रेश दाने वाले मकई लेके आएंगे, भुट्टा लेके आएंगे। मेरा दाना थोड़ा सा पक गया है, लेकिन अगर आपके पास सॉफ्ट दाने वाले छलिया हैं तो बहुत अच्छे पकौड़े बनेंगे। पकौड़े बनाने के लिए मैं एक छलिया पीस का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें 2 से 3 लोगों को आराम से सर्व किया जा सकता है। छलिया के दानों को, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, चाकू से इस तरह से निकाल लेंगे। दाने थोड़े हार्ड हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक चॉपर में इसे चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे होल पीस में ही दानों को ले रही हूँ। दाने एक मिक्सिंग बाउल में डालने के बाद इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ, जो कद्दूकस कर लिया है मैंने। 100 ग्राम पनीर लिया है, 1/2 कप से थोड़ा कॉर्न के दाने हैं और इसमें बारीक कटा लहसुन प्याज अपने हिसाब से आप डाल लेंगे। यहाँ पे फ्रेश धनिया पत्ते के जो स्टेम्स होते हैं वो काट के डाल दिया है। करी पत्ता को चॉप करके डाल रही हूँ, अच्छा फ्लेवर आएगा। धनिया पत्ता अगर फ्रेश है तो वो भी चॉप करके आप डाल सकते हैं। स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ, काली मिर्च पाउडर है थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी पाउडर है, हरी मिर्च काट के डाल देंगे, कितना तीखा आप पसंद करते हैं। इसके बाद यहाँ पे गरम मसाला है, 1 टीस्पून से थोड़ा कम या 1 टीस्पून आप डाल सकते हैं। 1/2 कप बेसन डाला है, पानी इसमें बिल्कुल कम जाएगा। यहाँ पे 1 टेबल स्पून चावल का आटा है और 1 पिंच खाने वाला मीठा सोडा ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, जब आप कॉर्न पनीर के साथ पकौड़े बनाने जा रहे हैं तो आपको जो इसका बैटर है बेसन डालने के बाद, बहुत ज़्यादा लिक्विडी नहीं करना है, बहुत ढीला नहीं करना है, पानी का थोड़ा बहुत छिड़काव करना है और इस मिक्सचर को इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि पनीर में भी मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से पानी का यूज़ बहुत कम होगा। तो इसे मैंने टिक्की नुमा शेप दिया है। बेसन उतना ही डालेंगे जितने में आपका मिक्सचर बाइंड हो जाए और इसे डीप फ्राई करेंगे। तो कोई भी आप कुकिंग ऑयल लेंगे और ऑयल को मीडियम हीट पे गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा तेल को गरम नहीं करना है, नहीं तो आपके पकौड़े जल्दी से कलर में आ जाएंगे, गोल्डन कलर में आ जाएंगे और अंदर तक अच्छे से पकेगा नहीं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर पकौड़ों को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे और इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो बस, बारिश के मौसम में चाय के साथ सर्व करने के लिए क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट है कॉर्न और पनीर के पकोड़े तैयार है। गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करिए। घर की कोई भी चटनी आप इसके साथ बना सकते हैं या फिर रेडीमेड टमाटो केचप, टमाटो सॉस के साथ भी सर्व करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो देरी किस बात की, आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। आगे ऐसी और भी न्यू रेसिपीज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।